गुण मिलान से अधिक जरूरी क्यों है कुंडली मिलान। हमारे ज्योतिषीय जीवन में अनेकानेक विचित्र अनुभव होते रहे हैं। कुछ महानुभाव ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरी कन्या के लिए एक अच्छा रास्ता आया है, कृपा करके कुंडली मिला दें। वर कन्या की कुंडली मिलाने से उनका आशय केवल इतना होता है कि आप गुण मिलान कर दें, बाकी वे स्वयं निपटा लेंगे। ये पूरी तरह हास्यास्पद बात होने के साथ ही उनके अल्प ज्ञान का प्रदर्शन भी है, किंतु आप एक सामान्य इंसान से एस्ट्रोलॉजी के विशेष ज्ञान की आस भी कैसे लगा सकते हैं। वास्तव में केवल गुण मिलान के कारण लाखों दाम्पत्य जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। 36 गुणों में से कम 16 गुण मिल गए तो वर कन्या का आंख मूंद कर विवाह संपन्न करा दिया जाता है। भोगते तो बेचारे वे हैं जो अब शादी के सामाजिक बंधन में बंध गए होते हैं। क्या है वास्तविकता, आइए जानते हैं। हकीकत यह है कि गुण मिलान से केवल इतना पता चलता है कि अमुक वर कन्या के बीच कितनी निभेगी, जिसमें वर गण वश्य नाड़ी भकूट तथा योनि जैसे मुख्य संदर्भ बिंदु शामिल किए जाते हैं, किंतु इससे ये बिल्कुल नहीं जाना जा सकता कि उन दोनों के बीच पूरे जीवन कैसा सामंजस्य रहेगा, साथ ही उनकी किस्मत कितनी दूरी तक एक साथ चलेगी। इसके अलावा आयु, आर्थिक स्थिति, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, मांगलिक दोष तथा सप्तम भाव की स्थिति सहित भाग्य व संतान भाव की अवस्था का भी अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में यदि वर अथवा कन्या में से कोई अल्पायु, वैधव्य, विधुर योग, बदहाली और कमजोर शारीरिक स्थिति या फिर आजीवन दुर्भाग्य से पीड़ित हो तो ऐसे में भावी विवाह संपन्न करा दिए जाने पर उन दोनों की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते रहेंगे। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? यहां पर उपयुक्त वर अथवा कन्या का चयन ऐसे करना चाहिए जिनकी कुंडलियों में ठीक उसी रीत से ग्रह विराजित हों अथवा जिनके सप्तम भाव उतने ही पीड़ित हों, ताकि विपरीत राजयोग जैसी पोजीशन निर्मित हो जाए और बीज गणितीय रूल के अनुसार निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। थोड़ा मुश्किल तो है ऐसी कुंडलियों का मिलना, किंतु असंभव नहीं। यदि वर अथवा कन्या के माता पिता अपने प्रयास को थोड़ी और गति दे दें, साथ ही महानुभाव ज्योतिषी महोदय अपनी सही राय दे दें, तो तमाम दाम्पत्य जीवन संवर सकते हैं। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप स्पीकिंग ट्री का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।